जिला पुलिस बद्दी द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस आए दिन नशा तस्करों को पकड़ रही है। ताजा मामला बरोटीवाला थाना के अंतर्गत पड़ते कांठा का है, जहां पर झुंगी झोपड़ी में रह रहे एक व्यक्ति ने 22 किलो 231 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी की पहचान पप्पू पुत्र लिंबू राम थाना कालका जिला पंचकूला हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार SIU टीम के इंचार्ज नरेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बरोटीवाला के तहत कांठ में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेचने का कार्य करता है। इसके बाद टीम ने झोपड़ी में जाकर तलाशी ली तो तलाशी के दौरान 22 किलो 236 ग्राम गांजा बरामद किया। वहीं पर मामले की पुष्टि करते हुए बरोटीवाला थाना प्रभारी श्याम लाल ने बताया कि SIU टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर टीम ने जब झुग्गी की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान 22 किलो 231 ग्राम गांजा बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपी का रिमांड हासिल कर आरोपी से पूछताछ की जाएगी। SIU टीम के इंचार्ज ASI नरेश कुमार पेट्रोलिंग पे थे तो शाम को इनको करीब 6:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि पप्पू सन ऑफ लिंबू आरो गिदड़ावली कालका जो यहाँ पर झाड़माजरी में एक झोपड़ी में रहता है, झुंगी झोपड़ी में रहता है और वो जो है अवैध तौर पे गांजा बेचने का काम करता है, जिस पर तुरंत रेड की तो उसके यहाँ से 22 किलो 231 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिस पर हमने अभी पंजीकृत कर लिया है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आज माननीय अदालत में पेश करके उसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और आगामी जो अन्वेषण प्रक्रिया है वो जारी है और इस संदर्भ में SP साहब के आदेश है कि किसी को भी बख्शा न जाए और ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।